कल्लूपुरा नाम के गांव में हर पूर्णिमा के दिन चुड़ैलों का एक बाजार लगता था। जो कोई भी उस बाजार में जाता वो चुड़ैलें उस आदमी को मार डालती और उसका खून पी जाती थी। धीरे धीरे उस गांव में चुड़ैलों की दहशत इतनी हो गई कि लोग कल्लूपुरा गांव छोड़कर दूर के गांव में बस गए और कल्लूपुरा गांव एक खंडहर में बदल गया और लोग कल्लूपुरा के नाम से भी डरने लगे। वहीं कल्लूपुरा से दूर एक गांव चमकपुर में दो दोस्त हीरा और मोती रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों जहां भी जाते साथ में जाते, जो भी करते साथ में करते। एक दिन दोनों गांव के तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनका दोस्त सूखा सिंह वहां आता है। उसे देखकर हीरा और मोती हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, अरे सूखा सिंह, तू तो और सूखता जा रहा है भाई, कुछ लेता क्यों नहीं, इस तरह से तू गायब हो जाएगा। अरे नहीं नहीं हीरा, ये सूखा सिंह तो तेज हवा में उड़ेगा जैसे पक्षी उड़ते हैं। और थोड़ा धीरे हंसो, नहीं तो हमरा जाएगा बेचारा। उन दोनों को हंसता और मजाक करता देख सूखा सिंह बोलता है, क्यों मेरे सूखेपन का मजाक बनाने में लगे हुए हो, तुम दोनों कौन सा बड़े मोटे हो। और रही डरने की बात, मैं किसी से नहीं डरता, बल्कि तुम दोनों ही घबरा जाते हो। हम दोनों घबराते हैं। वे तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लल्लू नाम का उनका चौथा दोस्त भी आ जाता है। अरे क्या बातें हो रही हैं तीनों में, जरा हमें भी तो पता चले भाई। अरे बात में क्या होनी है लल्लू भैया, इन दोनों डरपोकों से बात कर रहा था, ये दोनों अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं। हाँ तो इसमें कोई शक है क्या, ये दोनों दोस्त तो वाकई बहुत बहादुर हैं। लल्लू भैया आप भी ना जाने किस गलतफहमी में हो, इन दोनों के बस की कुछ नहीं है। अगर इतने ही बहादुर हैं, तो उस कल्लूपुरा गांव की बाजार में जाकर दिखाएं। अरे नहीं नहीं, इन बच्चों के बस की कहाँ है उस गांव के बाजार में जाने की है? रहने दो, ये नहीं जा पाएंगे। लल्लू भैया ऐसी बात नहीं है, हम बहुत बहादुर हैं और कहीं भी जा सकते हैं, आप बस बताओ कि जाना कहाँ है। अरे कल्लूपुरा गांव की चुड़ैलों की बाजार में, बोलो जा पाओगे। सूखा सिंह की बात सुनकर हीरा घबराने लगता है और बोलता है, अरे बाप रे, वहाँ तो अच्छे अच्छे नहीं जा पाते, भला हम दोनों वहाँ कहाँ जाएंगे। सुना है वो चुड़ैलें उस बाजार में आने वालों को मार डालती हैं और उनका खून पी जाती हैं। न न न न न नहीं भैया, हम दोनों नहीं जा पाएंगे। बस क्या, इतनी सी बहादुरी है तुम दोनों में है? उन दोनों की हंसी सुनकर मोती को गुस्सा आता है और वो बोलता है, क्या हे करने में लगे हो, नॉनसेंस, हम दोनों जाएंगे वहाँ और देखते हैं कौन सा बाजार लगता है चुड़ैलों का। ऐसा कहकर मोती वहाँ से चला जाता है, उसके पीछे पीछे हीरा भी आ जाता है। मोती भाई आपने बोल तो दिया है, लेकिन आपको पता है कल्लूपुरा से आज तक कोई भी आदमी जिंदा नहीं लौटा है, कहीं ये हम दोनों की भी अंतिम यात्रा ना हो। तुम भी ना हीरा, कितना घबराते हो। अरे ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ये गांव के लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। देखना हम जाएंगे और आराम से वापस आ जाएंगे, वैसे तुम अगर साथ में नहीं आना चाहते हो तो आप मत आओ। मोती भाई आज तो आपने बात बोल दी है, लेकिन आगे से कभी ये मत बोलना, अरे आपकी दोस्ती के लिए तो ये हीरा मरने को भी तैयार है, बोलो जहाँ भी चलना है। इसके बाद हीरा और मोती कल्लूपुरा गांव के लिए पैदल ही निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है, उनके रास्ते में एक घना जंगल आता है। मोती हीरा को बोलता है, हीरा भाई अभी तो शाम हो गई है और आगे जंगल भी काफी घना है, क्यों ना यही रात में रुक जाए और सुबह कल्लूपुरा के लिए चले, मुझे तो बहुत थकान हो रही है, मन कर रहा है सो जाऊं। सही कह रहे हो मोती भैया, थकान तो मुझे भी हो रही है, क्यों ना यहीं कुछ खाना खा लेते हैं और फिर सुबह आगे की यात्रा करेंगे। फिर हीरा और मोती वहीं रुक जाते हैं।
और रोटी खाने के बाद वहीं जंगल में सो जाते हैं। रात में उन्हें किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर हीरा और मोती उठ जाते हैं। उनके उठते ही गाने की आवाज बंद हो जाती है। अरे मोती, तूने किसी के गाने की आवाज सुनी? हाँ हीरा, लेकिन इतनी रात को जंगल में कौन गाना गाएगा? लगता है थकावट के मारे हम दोनों के कान बज रहे हैं। फिर दोनों वापस सो जाते हैं, लेकिन हीरा की आंखों में नींद नहीं होती है। वो जग ही रहा होता है, तभी वही गाने की आवाज दोबारा आने लगती है। इस बार हीरा उठता है और आवाज की दिशा में जाता है। आवाज झाड़ियों के दूसरी तरफ से आ रही होती है। अरे इतना दर्द है इस आवाज में, लगता है जैसे कोई बहुत उदास है। चल करके देखता हूँ। जैसे ही हीरा झाड़ियों को पार कर दूसरी तरफ पहुँचता है, उसे एक औरत अपनी तरफ पीठ करके दिखाई देती है। हीरा उसके पास पहुँचता है और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलता है, कौन है बहन जी आप, और इतनी रात को इस घने जंगल में अकेले गाना क्यों गा रही हैं? हीरा की बात सुनकर औरत की गर्दन हीरा की तरफ घूम जाती है। वो एक चुड़ैल होती है। हीरा उसे देखकर डर जाता है और मोती को आवाज लगाता है। मैं ही गाना गा रही थी हीरा। मोती इधर आ मेरे भाई, चुड़ैल आ गई है, जल्दी आओ मुझे बचाओ, ये तो मेरा नाम भी जानती है। हीरा के चिल्लाने की आवाज सुनकर मोती वहाँ आ जाता है और चुड़ैल को देखकर वो भी बहुत घबरा जाता है। अरे मर गया, अरे हीरा तुझे नहीं जाना था यार, तुम मत जाता, ये चुड़ैल को बुलाने की क्या जरूरत थी। तुम दोनों घबराओ मत, मैं तो तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम दोनों कल्लूपुरा मत जाओ, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। लेकिन आप कौन है और हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? मेरा नाम शन्नो है और मैं यही कल्लूपुरा में रहती थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी, पूरे जिले में मेरे से सुंदर एक भी लड़की नहीं थी। यही सुंदरता मेरी दुश्मन बन गई। एक दुष्ट तांत्रिक की नजर मुझ पर पड़ गई। जब वो मुझे नहीं पा सका तो उसने मुझे अपने जादू से चुड़ैल बना दिया। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ चुड़ैल शन्नो जी, लेकिन आप इस चुड़ैल योनि से मुक्ति नहीं पा पाई, ऐसा क्यों है? उस तांत्रिक के पास एक जादुई छड़ी है, उसी में मेरी और मेरे जैसी कई चुड़ैले कैद है। वही तांत्रिक हर अमावस के दिन लड़कियों का बाजार लगाता है और जो लड़की उसको मना करती है वो उसे चुड़ैल बना देता है। उसी के डर से गांव वाले कल्लूपुरा गांव छोड़कर जा चुके हैं। आप चिंता ना करो चुड़ैल जी, हम दोनों उस दुष्ट तांत्रिक को उसके किए की सजा देंगे और इस गांव को भी आजाद कराएंगे। बस आपको हम दोनों की मदद करनी पड़ेगी। फिर हीरा चुड़ैल के कान में अपनी योजना बताता है, जिसे सुनकर चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुम दोनों तो कमाल के हो हीरा, तुम तो मुझे बहुत पसंद आए। अगर मैं जिंदा होती तो तुमसे शादी कर लेती। तुम दोनों अब कल्लूपुरा पहुँचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और उधर सुबह का भी समय हो जाता है। हीरा और मोती कल्लूपुरा के लिए चल पड़ते हैं। शाम को हीरा और मोती कल्लूपुरा पहुँचते हैं। अरे हीरा भाई, आज तो अमावस्या की रात है, यानी वो चुड़ैलों का बाजार फिर से लगेगा और वो कपटी तांत्रिक फिर से आएगा। मोती तू चिंता ना कर, इस बार वो आएगा तो जरूर, लेकिन वापस नहीं जा पाएगा। हम दोनों भाई उसका जादू खत्म कर देंगे। उसके बाद हीरा और मोती छुपकर बैठ जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात होते ही कल्लूपुरा गांव में एक रोशनी सी आ जाती है और ना जाने कहां से बहुत सी चुड़ैले वहां जाती हैं। तभी वहां वही कपटी तांत्रिक आ जाता है और चुड़ैलों से बोलता है, मेरी गुलाम चुड़ैलो, आज का बाजार सजाओ और आज मेरी साधना के लिए जो लड़कियां लाई हो सामने लाओ। हीरा और मोती ये सब दूर से देख रहे होते हैं। तभी शन्नू चुड़ैल वहां आ जाती है और योजना के अनुसार मोती को साड़ी पहनाकर औरत का रूप दे देती है और फिर चुड़ैलों के बीच ले जाती है। तांत्रिक देवता, पहले इस नाचीज शन्नू चुड़ैल का तोहफा ले लो, आज ही शहर से लाई हूँ। मोती को देखकर तांत्रिक खुश हो जाता है और बोलता है, वाह वाह चुड़ैल, क्या लड़की लाई है, इतनी सुंदर। आज तो साधना में मजा आ जाएगा, इसे मेरे पास लाओ।
चुड़ैल मोती को, जो कि औरत के भेष में होता है, तांत्रिक के पास लेकर पहुंचती है। जैसे ही मोती तांत्रिक के पास पहुंचता है, उसके हाथ से छड़ी लेकर हीरा के पास फेंक देता है। दुष्ट औरत, ये तूने क्या किया? पता है वो क्या था? अब तू और तेरा ये पति दोनों मरेंगे। ये क्या औरत औरत लगा रखा है? अबे तांत्रिक मैं मर्द हूँ और अब तू तो गया। तुम तीनों ने मिलकर मेरा काटा, मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इससे पहले तांत्रिक कुछ करता, हीरा वो छड़ी तोड़ देता है। छड़ी के टूटते ही सारा जादू खत्म हो जाता है और सारी चुड़ैलें वहां से गायब हो जाती हैं। फिर हीरा और मोती उस तांत्रिक को बांध देते हैं। तभी शन्नू चुड़ैल बोलती है, तुम दोनों ने इस गांव को इस दुष्ट से मुक्त कर दिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लाओ इस दुष्ट को मुझे दे दो, मुझे इससे बहुत बदले लेने हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल उस तांत्रिक को मार देती है और कुछ देर में चुड़ैल वापस शन्नू के रूप में आ जाती है। अरे वाह, तुम तो सच में बहुत ही सुंदर हो, मुझसे शादी करोगी? हाँ क्यों नहीं।